नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सिरोही आपका स्वागत करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से हों। आज हम जो हैं सदाबहार के जो पेड़ है उसके फ़ायदे के बारे में बताएंगे। मेरे पास तो इसकी देखो, ये सदाबहार का पेड़ है। ये मेरे पास इसकी दो वैरायटी हैं, एक तो ये है और एक मेरे पास सफ़ेद है। और ये सदाबहार के काफ़ी फायदे होते हैं। सदाबहार का फूल देखने में अच्छा लगता है और ये फूल ज़्यादातर जो है सदाबहार के पेड़ जो हैं, जैसे इनका फूल झड़ता है तो उससे ही हो जाते हैं। और ये डायबिटीज समेत कई बीमारियों से बचाता है। सदाबहार फूल में एल्कलाइज एजमेलिसिन सरपेंटिन नामक तत्व होते हैं, ये शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। कुछ तो जो डायबिटीज़ के मरीज हैं वो इनके फूलों को तोड़कर ही खा जाते हैं, उससे इनका फायदा होता है। अगर इसकी 7-8 पत्तियों को धोकर थोड़े से पानी में पीस लें और निचोड़ कर पी लें, ऐसा रोज़ाना पीने से शुगर की शिकायत दूर हो जाती है। लेकिन करना ये रोज़ाना पड़ता है, आपको नियम से रोज़ाना करना पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर जो आप शुगर के लिए मेथी दाना आप भिगो दो रात को और सुबह जो है उसके साथ जो है आप उसको पी जाओ और उसको खा जाओ। और इनके अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें हैं शुगर के लिए, पर आज तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। और ये हर जगह होने वाला है, ऐसा नहीं है कि कोई खास जगह ये होगा। आप इसको कहीं भी लगा सकते हो उखाड़ के। हमारे पास तो इतने होते हैं, हम तो इनको उखाड़ उखाड़ के हमें फेंकने पड़ते हैं। कुछ जो हमारे को ज़रूरत है, जहाँ हमारे को ज़रूरत है, जहाँ कि लगता है कि हाँ लगा हुआ अच्छा लगेगा, तो वहाँ हम इनको लगा देते हैं। और हम भी इनको कभी कभी यूज कर लेते हैं, इसलिए इसको आप गमले में भी लगा सकते हो। हमारे पास तो ज़मीन है तो हमने तो ज़मीन में लगाया हुआ है, लेकिन आप इसको गमले में लगा सकते हो, कहीं भी आपको मिल जाए। किसी भी नर्सरी में चले जाओगे या किसी के घर में उग रहा होगा, जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ से लोग बाग ले जाते हैं, काफ़ी इसको उखाड़ उखाड़ के ले जाते हैं, जगह जगह होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ज़्यादा तादाद में, तो हमारे को वैसे भी उखाड़ के इनको फेंकना पड़ता है। काफ़ी पौधे हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनकी पत्ती गिर जाती हैं, वो वहीं से उग जाते हैं। जैसे पत्थर चट है, उसकी पत्ती गिर जाती है, वो वहीं से उग जाता है। इतने पौधे हमारे यहाँ ऐसे हुए हैं कि जिनको हमारे को उखाड़ उखाड़ के फेंकना पड़ता है। बाकी ये हर्बल प्लांट है, घर के अंदर ज़रूर लगाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। इसी उम्मीद के साथ परमात्मा आपको दुनिया भर की खुशियाँ बख्शे, तंदुरुस्त रखे और भयमुक्त रखे, और ये जो बीमारी आजकल चल रही है इससे आपको बचाए। इसी उम्मीद के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।